विलास सर चाचू टीवी पे अभी नहीं, और ये कुछ सीक्रेट यार आपके स्टेटमेंट चला गया मुझ पर सर। मेंटल हेल्थ सेंटर सर, आणखी कोणती ऑप्शन ज्याला ब्लॅकआउटमध्ये कम्युनिकेशन कंटिन्यू राहील? हाउ टू सेव आवर सेल्फ सर, मैंने बताया ना हर बार कहीं बोला तो मैं हर बार बोला आपको, जो जागेगा वही बचेगा। जियो वो मत खाइए, 5G से दूर रहिए, टीका मत लीजिए। सर हैंडीकैप एंड डिसेबल्स सिंपति वाई, सर हैंडीकैप एंड डिसेबल सिंपति वाई किसने दिया है? मैंने मैंने कोई ऐसे कॉमेंट कहा ही नहीं है। किसके बारे में बात कर रहे हैं आप, किस बारे में बात कर रहे हैं आप? मैंने कोई स्टेटमेंट दिया ही नहीं है डिसेबिलिटी और इसके बारे में हैंडीकैप के लिए। गुड आफ्टरनून डॉक्टर, गुड आफ्टरनून जयवाल, डॉक्टर योगी जयवाल। ये क्वांटम डॉट डाई वैक्सीन डाली गई है, इसके बारे में बताए सर। क्वांटम डॉट डाई, क्वांटम डाई नहीं है, ग्राफिन ऑक्साइड है सर। सूरत मध्ये आज पक्षाचा थवा अचानक खाली पडला आहे अशी न्यूज आली आहे। 5G चालू का सर, अभी थाली घंटी नहीं बदलेंगे, उनका पिछवाड़ा फूटेगा, घंटी थाली नहीं। मोदी जी के जो आने वाले हैं ना कार्यकर्ता, वो उनको पूछिए भाई ताली थाली बजा के घंटी बजा के लता जी ने टीका लिया था, लता मंगेशकर जी ने टीका लिया था कोविड न्यूमोनिया की वजह से, आज उनकी मौत की न्यूज आई। कहा है 5G पिटीशन का अपडेट है कि वो सबमिटेड हो चुका है, उसके सारे क्यूरीज हटा दिए हैं। अब आप सिर्फ लोगों का सहयोग चाहिए आर्थिक, क्योंकि जिस दिन उस पर नंबर गिरेगा उस दिन हमें वहां पे डिपॉजिट भरना पड़ेगा, 2 लाख रुपये डिपॉजिट हमें भरना पड़ेगा। तो फिर से मेरा अकाउंट नंबर बोलता हूँ 3039391171 SBIN00107911 IFC कोड है, और गूगल पे नंबर है +91909628920। मेरे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन डाला हुआ है, अकाउंट डिटेल भी। तो जागिए, जगाइए, जो जागेगा वही बचेगा। सर जानना आता 4 डोसेस आणि सेकंड डोस घेतला आहे करत होत नाही आहे, आता क्या? तो बहुत बड़ा कॉमेंट है, इतना बड़ा कॉमेंट पढ़ते चला गया था। स्पेस में क्या लगाने से हम एलियन देख सकते हैं? अभी नहीं बताऊंगा। हाउ मच डिड यू एबल टू ऑर्गेनाइज? एक लगभग एक, क्योंकि मेरा देखो मेरा एक्चुअल फेसबुक ब्लॉक है, मेरा ओरिजिनल ट्विटर हैंडल इन्होंने डिलीट कर दिया, जहाँ पे 9000 मुझे फॉलोअर्स थे वो डिलीट कर दिया। मेरा एक्चुअल जो ये है यूट्यूब चैनल, जहाँ पे मैं बोला था तो मैं ज़्यादा लोगों तक, 50,000 लोगों तक और 4 करोड़ व्यूज आते थे, तो वो डिलीट हो चुका है। तो इसलिए मैं अभी सिर्फ बोल रहा हूँ यहीं पर, इसलिए मैं ज़्यादा लोगों तक वहाँ पर रीच नहीं हो पा रहा हूँ। तो हार्डली एक 1,10,000-1,12,000 के आसपास कुछ तो भी आई है अमाउंट। देश में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को लीगल इम्यूनिटी मिली हुई सेक्शन 74 में मेंशन है, आपने सब सच बताया है, धन्यवाद जी। सर मैं वी विल हेल्प यू फाइनेंशियली, डोंट वरी, धन्यवाद काकड़ जी। सर सलमान खान दज्जाल को फॉलो कर, वो तो सारे करते हैं, सलमान के आशो सभी भी करते हैं, माहित है वैक्सीन बदल, मैंने कहा ना इन सारे ये जो है इनको पता है सर, जो वीडियो आपसे पोर्टल की सेंड की है, हाँ मैंने की है टेलीग्राम पे एक वीडियो पोर्टल की कल। तो धन्यवाद सभी का, साथ रहिए, जगाइए, जो जागेगा वही बचेगा। सर एंटी क्राइस्ट आ चुका है, देयर विल बी टेली मेडिसिन एवरीवेयर इन फ्यूचर, एवरीथिंग इज टेली, एजुकेशन टेली, सब कुछ। थैंक यू फॉर द वेकिंग, धन्यवाद भानु प्रताप सिंह जी। प्लीज शेयर द वीडियो, आप लोगों की जानकारी अपने तक ही मत रखिए, लोगों को बताइए, जिसको सुनेगा वो सुनेगा। सर एंटी क्राइस्ट कौन से असल का ही अंदाज
ओबामा ओबामा इज एंटीक्राइस्ट. थैंक यू धन्यवाद धन्यवाद सर. प्रिपेयरनेस 101 कब तक होगा? वोट बी टेली से, वोटिंग टेली से नहीं होगी, वो फिजिकल होगी भाई साहब, वहाँ पे तो सरकार बनती है. हाँ तो इसलिए बीजेपी को हराइए, यूपी पंजाब गोवा उत्तराखंड. सर हम अभी तक टीका से बचे हुए आपकी वजह से, धन्यवाद सर. प्लीज़ सेव दिस वीडियो. यस आई विल सेव. प्रोजेक्ट ब्लू बीम चालू हो चुका है कई जगह पे, मगर इतना याद रखिए कि असली एलियंस भी आ रहे हैं, आने वाले हैं. एंड दोज आर द नॉट बैड वन, बैड वन को उन्होंने पकड़ के रखा हुआ है. आप ग्रेट हो, आपकी हिम्मत को सलाम देना चाहिए. धन्यवाद धन्यवाद जी. थैंक यू धीरज बाग साहब. हाउ कैन यू गारंटी दैट कांग्रेस विल सेव अस? देखिए पत्थर से ईंट भली, मेरा ये मानना है. नहीं तो फिर दीजिए वो बीजेपी को जो आज है उससे और बर्तल हरा कर लीजिए. 6/6/2022 जून महीने में, मैंने कहा ना मई जून में बहुत कुछ दिखेगा, खास शुरुआत होगी मई से. आप एक बात देखिए, मैंने पहले बताया था 12 दिसंबर 2021 को मैंने बोला था कुछ तो बड़ा होने वाला है, और उसी दिन रावत साहब जी की मौत हो गई थी. तब मैंने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया जिसको कोई लेना ना देना वो बात कर रहा है कि ताइवान के लिए बचाने के लिए भारत अमेरिका ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया साथ में चाइना पे हमला करेंगे, और उसके नेक्स्ट डे वो बात करते हैं कि जब इस पर हम अटैक करने वाले हैं वहाँ पे चाइना पे एलियंस अटैक करने वाले हैं, और उसी दिन लगभग 5000 एलियन स्पेसशिप चाइना के ऊपर मंडराती हुई दिखी थी. कल चाइना वो ऑस्ट्रेलिया बोल रहा है कि चाइना के 35 सोल्जर्स गैलवान नदी में डूब के मर गए. क्या चल, ऑस्ट्रेलिया को क्या लेना देना है चाइना के और इंडिया के रिलेशन पे? इसका मतलब अगले कुछ दिनों में ये अटैक करके हमला करके चाइना पे इंडिया की तरफ से ये एलियंस अटैक हो सकता है डिस्क्लोजर. और फिर ये बोलेंगे देखो एलियंस आ गए प्रोजेक्ट ब्लू बीम के तहत, और वहाँ पे हमें एक साथ लड़ना पड़ेगा और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश हो जाएगी. मार्च में मंदिर बन गया इस्लाम का कि मई में ये 100% द बिग डिस्क्लोजर स्टार्ट हो जाएगा. तो जागिए जगाइए, जय हिंद जय महाराष्ट्र.